बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो सुबह का टाइम है तकरीबन, मैं इधर 6:30 पौने 7 बजे इधर आया था एक जगह पे, लड़के को लेना था क्योंकि घर में आज कोई भी नहीं है, मैं हूँ और एक दो सिस्टर हैं, बाकी फैसलाबाद में गए हुए हैं। मेरे दादा अबू जी हैं, वो काफ़ी दिनों से बीमार थे, तो कल अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। आज तकरीबन 8 बजे जनाजा है, तो इस वजह से कुछ घर वाले और अब्बा जी और अम्मी जान गए हुए हैं, तो सब तो नहीं जा सकते हैं, मजबूरी है। पीछे जो खलारा वगैरह है, भैंसों का है, सब कुछ देखना पड़ता है। दादा अबू हमारे पास नहीं रहते थे, वो चाचुओं के पास रहते थे फैसलाबाद में, तो मैंने भैंसों का जो चारा वगैरह लेके आना था, तो उस वजह से जो लड़का रखा हुआ है तो उसको लेने के लिए आया था, तो वो अभी काम कर रहा था, मैं फिर इधर ही उसका वेट कर रहा हूँ बैठ के। तो जब तक वो फारिग होता है तो फिर हम चारा लेने चलेंगे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तकरीबन सुबह से बैठा हूँ, बहुत मज़े का एंजॉय का मौसम है। ये देखें कितना प्यारा माहौल बना हुआ है, ये सुबह से ऐसे ही हैं, बादल बढ़ते जा रहे हैं, सावन के बादल हैं। और वो सामने काम कर रहे हैं लड़के जिनको मैंने लेना है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे ये इधर से फारग होगा तो मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि जो हमारा चारा है वो भी काटेंगे फिर लेके आएंगे। तो आज अकेला हूँ, सब कुछ संभालना भी है, घर का भी संभालना है, तो जानवरों का भी। अभी पट्ठे लेके आया हूँ, तो 10:30 हुए हैं, आज काफ़ी लेट हो चुका था लड़के की वजह से, वो लड़का ही लेट आया था जो साथ जाता है। पट्ठों को पानी लगा हुआ था, उसी में से हम काट के लेके आए हैं, तो हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, तकरीबन मिट्टी के साथ भरा हुआ हूँ। तो अभी नहाते हैं, चेंजिंग वगैरह करते हैं। काटी थी मैंने अभी, बस मैं सोया हुआ था, अभी जोर की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो यही बस खाई है, क्यों अभी भी सर में हल्का हल्का सर दर्द है, रात काफ़ी देर जागते रहे हैं तो उसकी वजह से सर में अभी दर्द है, नींद पूरी नहीं हुई है रात। अभी असर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, आज बाहर जाने का मूड नहीं है, क्यों घर में भी कोई भी नहीं है, तो इस वजह से बाहर नहीं जा रहा हूँ। एक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखें मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आंधी भी आ रही है। अम्मी अबू भी घर में नहीं है, तो उनकी वजह से घर में कुछ रौनक नहीं है, उजड़ा सा घर हो रहा है, इसीलिए घर में दिल भी नहीं लग रहा है, तो उन्हीं के साथ रौनक है, पता नहीं कब तक आएंगे। बारिश शुरू हो चुकी है माशाल्लाह। कुछ अच्छा हुआ कि हम बाहर नहीं गए आज, नहीं तो बारिश में भीग के आना था, कि जितनी तेज़ अचानक से बारिश शुरू हुई है, घर भी वापस नहीं आया जाना था। ये देखें बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है,
और मौसम भी ठंडा हो चुका है, मज़े का मौसम हुआ है, नहीं तो सुबह से हबस हो रहा था, काफ़ी गर्मी हो रही थी। आज ये मेरे सुबह चोट भी लगी है, जब जानवरों के लिए चारा लेने गया उस वक़्त कहीं लगी है, वो जो चारा होता है वही कहीं लगा है, तो उस वक़्त तो मुझे नहीं पता चला है। तो अभी अभी आके कुछ पसीना वगैरह आया तो मुझे पता चला है, क्यों जलन सी शुरू हुई थी, तो अभी मैंने देखा है तो मुझे भी अभी पता चला है, सुबह तो नहीं पता चला है। ये इधर तक है, ये इधर हल्का है, इधर ये इतना सा हिस्सा ज़्यादा है। बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो मैंने अभी भी पंखा चलाया हुआ है क्योंकि ऐसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बस अभी नींद काफ़ी आई हुई है, थकावट है सुबह से। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।